अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इम्तियाज मक्का वाले लोग। तो आप माशाल्लाह से देख सकते हैं कि हम इफ्तार पे पहुँच गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मदीना मुनव्वरा में, ठीक है। और ये मदीना से थोड़ा सा हट के साइड, मतलब मदीना पाक के अंदर ही है, ठीक है। तो वहाँ पे ये इफ्तारी लगी हुई है। माशाल्लाह से आपको इसका पूरा जो है ना एड्रेस बताएंगे, लोकेशन भी बताएंगे, ठीक है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें। तो गाइस, माशाल्लाह से हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं, ठीक है। वहाँ पे हम मौजूद हैं इस वक्त। आपको माशाल्लाह से सामने वो स्क्रीन पर मदीना मुनव्वरा भी नज़र आ रहा होगा। ये बिल्कुल मदीना के पास ही है, ठीक है। ये 301 गेट नंबर या मतलब 305, मतलब किसी भी गेट से आप निकले ना तो बाहर की तरफ ये मस्जिद बिलाल की तरफ है, ठीक है। बिल्डिंगों के दरमियान में है, ठीक है। मस्जिद बिलाल की तरफ ये लगी हुई है। तो देखते हैं कि इन्होंने आज हमें क्या क्या दिया। ये पानी की बोतल है, ठीक है। ये चम्मच है, मतलब साथ बिरयानी के लिए। ये खजूरें हैं, ठीक है। तो ये खुबज दिया उन्होंने हमें। उसके बाद ये पैकेट में दे सकती हैं कि इसमें एक उन्होंने दही दिया है, साथ एक और पानी की बोतल है, ठीक है। साथ खजूरें भी दी हुई हैं। ये बिरयानी का डब्बा है, ठीक है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि सभी लोगों के पास पास अपना अपना खाना पड़ा हुआ है, ठीक है। लोग इफ्तारी के लिए भी आ रहे हैं कुछ लोग। माशाल्लाह से अभी आप देख सकते हैं कि जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो राशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अभी तो माशाल्लाह से पीछे 5-6 लाइनें बनी हैं, अभी सारा जो है ना ये बढ़ जाएगा। माशाल्लाह से ये जो जगह, ये मदीना पाक के ना बिल्कुल पास है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा साइड पे आए तो वहाँ पे आपको ये जगह मिल जाएगी। वहाँ पे उन्होंने मतलब बड़ा सा ना वो खैमा लगाया हुआ है, उसके अंदर ये बिठाए हुए हैं। तो इफ्तारी के बाद भी ये ना खाना देते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा उन्होंने ना अंदर से बनाया हुआ है। ये माशाल्लाह से आपको ना ये मदीना पाक नज़र आ रहा होगा। मतलब उन्होंने ना बड़ी सी एक स्क्रीन है तो उसके ऊपर मतलब उन्होंने ना ये चलाया हुआ है। तो अभी आप देखिए माशाल्लाह से रश जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, मतलब सारी जगह जो बढ़ गई है। अभी वो देखेंगे कि ये बाहर वाला जो गेट है ना, ये तकरीबन वो ना बंद कर देंगे, क्योंकि अंदर जो जगह वो फुल हो गई है। मतलब कुछ कुछ लोग होंगे, कहीं कहीं पे जगह होगी बैठने के लिए, वरना जो आल जगह ना वो सारी यहाँ से फुल हो गई है। हो सकता है कि जो बाहर वाली जगह वहाँ पे ये लोग बिठाएं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि इफ्तारी का टाइम बिल्कुल ही करीब है। ये मदीना मुनव्वरा के अंदर का जो सीन है वो उन्होंने स्क्रीन पे चलाया हुआ साथ लाइव ना, जो भी मतलब वहाँ पर चल रहा है। तो ये हमने अपना जो सामान है वो रेडी कर लिया, ठीक है। ये दही, इसके अंदर मसाला मिलता है साथ ये पैकेट में, तो ये हमने इसके अंदर डाल लिया। तो मतलब सभी लोगों ने अपना अपना जो सामान है ना वो रेडी कर लिया, क्योंकि इफ्तारी का टाइम बिल्कुल ही करीब है। माशाल्लाह से जो मदीना मुनव्वरा में अजान हो चुकी है इफ्तारी की, मगरिब की। माशाल्लाह से सभी लोग जो है ना वो इफ्तारी कर रहे हैं। और माशाल्लाह से अभी आप देख सकते हैं कि लोगों ने जो अपना रोज़ा खोल लिया, सभी लोग अपनी अपनी इफ्तारी कर रहे हैं। ये माशाल्लाह से हम भी अपनी इफ्तारी में मसरूफ़ हैं। खजूरें भी देते हैं साथ, पानी भी देते हैं, मतलब सारा सामान थोड़ा थोड़ा देते हैं। ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि सभी लोग जो अपनी अपनी इफ्तारी में मसरूफ़ हो गए हैं। इफ्तारी करके हम आगे हैं मदीना मुनव्वरा के अंदर जा रहे हैं मगरब की नमाज़ अदा करने के लिए। माशाल्लाह से आगे भी जाके आपको ना रश जो है ना यहाँ पे चेक करवाते हैं। माशाल्लाह सामने आपको वो जो सब्ज़ी गुंबद नज़र आ रहा होगा, ये गाइस 301 गेट नंबर है, बिल्कुल इसके सामने ये जगह है, ठीक है। ये 301 गेट नंबर है, इसके सामने बिल्कुल वो जगह जहाँ पर इफ्तार करवाते हैं। यहाँ से मतलब सीधा जाए ना आगे की तरफ तो वहाँ पर जाके आपको सामने एक बड़ा सा खैमा नज़र आ जाएगा लगा हुआ, उसके ऊपर बकायदा उन्होंने लिख के लगाया हुआ है। तो माशाल्लाह से हम पहुंच चुके हैं मदीना मुनव्वरा में। ये औरतों वाली साइड है, मतलब यहाँ पे भी इफ्तारी करवाते हैं। ये देखिए आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर भी जो है ना लोग बैठे हुए हैं। ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि
सब्जी गुंबद आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छी है मेरी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी और इस्लामिक और इंफॉर्मेशन वीडियो आपको बरवक़्त रिसीव होती रहे। ये आप देख सकते हैं कि लोग इधर बैठे हैं इफ्तारी करके, अभी अजान हो चुकी है, अभी माशाल्लाह से हम जो है मगरब की नमाज यहीं पढ़ेंगे मदीना मुनव्वरा में। ये आप देख सकते हैं कि लोग बैठे हुए हैं, अभी भी कुछ लोग खा रहे हैं वगैरह, खाना वगैरह खा रहे हैं जो मतलब फैमिलीज के साथ आए हुए हैं। अभी हम जा रहे हैं मतलब वाशरूम की तरफ, हमाम की तरफ, वहाँ पे जाके वज़ू करेंगे। उसके बाद जो है ना ये सामने वज़ू खाना आपको नज़र आ रहा होगा, हमाम वाशरूम, ठीक है, यहाँ पर हम जाएँगे तो इंशाल्लाह वज़ू वगैरह करके अपनी नमाज मगरब अदा करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह आपको जाके मैं पास से वो भी दिखाऊंगा, सब्ज़ी गुंबद बिल्कुल पास से दिखाऊंगा। ये देखें कि लोग मतलब भाग रहे हैं नमाज के लिए, नमाज का टाइम बिल्कुल हो चुका है, अभी हम भी जा रहे हैं वज़ू करने के लिए। तो दोस्तों अभी हमने जो है ना वो नमाज मगरिब जो अदा कर लिया माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मदीना पाक में, ठीक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ आपको सब्ज़ी गुंबद दिखाता हूँ बिल्कुल लाइव जाके, अभी मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, उसी रास्ते की तरफ, मतलब जिस रास्ते से हुजूर पाक पे सलाम पेश करने के लिए जाते हैं, वो भी रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह से ये वो रास्ता है जहाँ पे हम जाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े रसूल पे उनको सलाम पेश करने के लिए। ये देखें लोग जा रहे हैं उसी तरफ, तो ये सब्ज़ी गुंबद बिल्कुल आप अपनी आंखों से लाइव देख रहे हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी और इस्लामिक वीडियो आपको बर वक्त रिसीव होती रहे। जज़ाकअल्लाह।